दोस्तों फिल्म हाउसफुल 4 के टोटल 3 गाने रिलीज किए जा चुके हैं। पहला जो गाना था वो था एक चुम्मा, जिसमें कि अक्षय कुमार बूढ़े टाइप के किरदार में दिखे थे और इस गाने को मतलब ठीक ठाक पसंद किया गया था दर्शकों के द्वारा। वहीं जो दूसरा गाना रिलीज किया गया था इस फिल्म का, जो कि था बाला सॉन्ग, जिसको कि शैतान का साला माना जा रहा था। ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और बाला चैलेंज भी चला और दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और सबसे बेहतरीन गाना मुझे भी बाला सॉन्ग लगा। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के तीसरे गाने की, तो इस फिल्म का तीसरा गाना था भूत सॉन्ग, जिसमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे और ये गाना भी ठीक ठाक पसंद किया गया दर्शकों के द्वारा। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म के चौथे गाने की, तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि इस फिल्म के अंदर आपको 4 से 5 गाने सुनने को मिलेंगे, तो चौथा गाना इस फिल्म का रिलीज किया जा सकता है मंगलवार को, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाउसफुल 4 की जो स्ट्रेटजी है वो हर एक हफ्ते एक एक गाना रिलीज किए जाने का है। जी हाँ दोस्तों, आपको मंगलवार को एक गाना सुनने को मिलेगा, या तो वो गाना हो सकता है छम्मो सॉन्ग, या फिर वो गाना जिसमें कि हमने आपको बताया था कि अक्षय कुमार रैप करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार का रैप सॉन्ग आपको इस फिल्म के अंदर सुनने को मिलेगा और ये काफ़ी दमदार होने वाला है। दोस्तों अगर मंगलवार को रिलीज किया जाता है फिल्म हाउसफुल 4 का चौथा गाना रैप सॉन्ग अक्षय कुमार का, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार के फैंस को काफ़ी ज़बरदस्त खुशखबरी मिलेगी अगर ये गाना रिलीज़ कर दिया जाता है तो। दोस्तों कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सा गाना होगा, छम्मो सॉन्ग या फिर रैप सॉन्ग, अभी इसमें थोड़ा अपडेट आना बाकी है, लेकिन हाँ अगले हफ्ते एक गाना आपको हाउसफुल 4 का सुनने को मिलेगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि हाउसफुल 4 जो फिल्म है ये अब तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म बनाई जा रही है कॉमेडी के मामले में, और इस फिल्म के अंदर सभी लोग बाला को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं अक्षय कुमार के रैप सॉन्ग को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वहीं रोज़ के बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।